हेलो फ्रेंड्स, आज हम 6 महीने से 1 साल तक के बच्चे के लिए क्रोशिया का केप बनाएंगे। ये मैंने बेबी सॉफ्ट ऊन ली है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे 7 चेन लूंगी, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ मैं सिंगल चेन लूंगी, सॉरी सिंगल क्रोशिया लूंगी, 6 सिंगल क्रोशिया लेनी है, 1 2 3 4 5 और देखिए 6। ये देखिए मैंने 6 सिंगल क्रोशिया ले ली है। अब मैं इसको ऐसे पलट लूंगी और 1 चेन लूंगी। ये देखिए, अब मैं यहाँ पे इसमें सिंगल क्रोशिया लूंगी, ये यहाँ पर, ये देखिए इसमें, यहाँ इसमें नहीं लेंगे पूरे में, सिर्फ इसमें लेंगे, इसमें सिर्फ इसमें लेंगे सिंगल क्रोशिया, ये देखिए इसमें, देखिए 1 2 3 4 5 और देखिए 6 6 हो गए हैं हमारे। अब इसको हम इस तरह से यहाँ पलट लेंगे, फिर 1 चेन लेंगे, फिर ये शुरू करेंगे इसी तरह से। यहाँ से हमें ये इसमें लेना है, इसमें नहीं लेना है, जैसे हम पूरा लेते थे पूरा नहीं लेना है, सिर्फ इसमें सिंगल क्रोशिया चलनी है। ये हमारी, ये हम केप का बॉर्डर बुन रहे हैं, ये यहाँ बॉर्डर के लिए ये सिंगल क्रोशिया चलेगी हमारी। देखिए देखिए, ये देखिए, ये हमारा बॉर्डर इसी तरह से, आगे को हम इसे बढ़ाते चले जाएंगे, घुमा के ये बॉर्डर बन जाएगा हमारा। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इसकी 70 लाइन पूरी कर ली है, 70 लाइन। अब हमें इसको जोड़ना है। देखिए जोड़ने के लिए ये हमें घेर जोड़ना है। जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, ये हम यहाँ से इसको जोड़ना शुरू करेंगे। ये देखिए पहला, ऐसे देखिए ये लेंगे पहला, ये लेंगे यहाँ से पहला, दूसरा, इस तरह से हम इसको जोड़ते चले जाएंगे, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा। ये देखिए इसको मैंने यहाँ ऐसे जोड़ लिया है। अब इसको हम ऐसे पलट लेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे ये अब मैं 1 चेन लूंगी और सिंगल क्रोशिया ये यहाँ मैं लेती चलूंगी, 1 सिंगल क्रोशिया यहाँ, 1 1 सिंगल क्रोशिया मैं ये इस तरह से लेती चलूंगी। ये देखिए इस तरह से ये सिंगल क्रोशिया की लाइन मैं पूरे घेर पे कंप्लीट कर लूंगी। ये देखिए मैंने ये कंप्लीट कर लिया लाइन, अब यहाँ इसको अटैच कर लूंगी। ये मैंने इसकी स्मॉल क्रोशिया की लाइन कंप्लीट कर ली है, ये यहाँ मैंने इसको अटैच कर लिया। अब मैं यहाँ 3 चेन लूंगी, 1 2 और ये 3। 3 चेन लेके अब मैं यहाँ हर स्मॉल क्रोशिया पे मैं 1 डबल क्रोशिया लूंगी। ये हर स्मॉल क्रोशिया पे जो हमने ये लाइन बनाई है स्मॉल क्रोशिया की, इसमें हर स्मॉल क्रोशिया पे 1 डबल क्रोशिया लूंगी मैं। ये देखिए इस तरह से हर स्मॉल क्रोशिया पे 1 डबल क्रोशिया लेते चलेंगे हम। ये देखिए, देखिए हर स्मॉल क्रोशिया पे यहाँ हमने 1 डबल क्रोशिया एक एक लेती चली।
देखिए ये लाइन मैंने कंप्लीट कर ली है इसकी। अब मैं इसको यहाँ पर अटैच कर लूँगी। देखिए ये अटैच कर लिया है मैंने। अब मैं यहाँ एक चेन लूँगी। एक चेन लेने के बाद हर डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया की लाइन लूँगी मैं इस तरह से, जैसे नीचे यहाँ ली गई थी इसी तरह से मैं यहाँ हर डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया की लाइन लेती चलूँगी इस तरह से। देखिए देखिए मैंने इसकी स्मॉल क्रोशिया की भी लाइन कंप्लीट कर ली है। अब मैं इसको यहाँ अटैच कर लूँगी। ये देखिए इसको यहाँ अटैच करना है। ये मैंने अटैच कर लिया है इसको। अटैच करने के बाद तीन चेन लूँगी। तीन चेन लेने के बाद ये देखिए हमारी जो पहली डबल क्रोशिया थी इसको हम इस तरह से लेंगे। यहाँ आगे को एक डबल क्रोशिया लेंगे। अब आगे को इस पे तो हमने डबल क्रोशिया ले ली। अब ये वाली इसके ऊपर जो स्मॉल क्रोशिया हमने बनाई थी, ये देखिए इसके ऊपर जो स्मॉल क्रोशिया हमने बनाई थी इसमें लेंगे डबल क्रोशिया। ये देखिए इस तरह से। अब अगला ये लेंगे डबल क्रोशिया इसके आगे को। ये देखिए इस तरह से। अब ये जो है इसके ऊपर जो स्मॉल क्रोशिया ली थी हमने इसमें लेंगे सिंपल डबल क्रोशिया। ये देखिए अब यहाँ यहाँ इस तरह से डबल क्रोशिया। ये देखिए हमारा ये पैटर्न इस तरह से आएगा। इसमें आगे को लेंगे और इसमें इसी तरह से एक पे ऊपर लेंगे एक में आगे को लेंगे। ये हमारा पैटर्न पूरा लाइन चलता रहेगा। देखिए ये लाइन भी मैंने कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ एक दो तीन तीसरी चेन में इसको अटैच कर लूँगी। ये देखिए ये अटैच कर लिया। अब लूँगी मैं एक चेन। एक चेन लेने के बाद मैं यहाँ पे हर डबल क्रोशिया के ऊपर ये यहाँ पे सिंगल क्रोशिया की लाइन लेके चलूँगी। ये देखिए हर देखिए मैं इसी तरह से पूरी लाइन कंप्लीट कर लूँगी। देखिए फ्रेंड्स ये लाइन भी मैंने स्मॉल क्रोशे की कंप्लीट कर ली है। अब इसको हम यहाँ अटैच कर लेंगे। देखिए ये मैंने इसको अटैच कर लिया है। देखिए अब यहाँ मैं तीन चेन लूँगी। ये तीन चेन ली और जो ये हमने पहला ये लिया था इसके ऊपर हम सिंगल क्रोशिया लेंगे, सॉरी डबल क्रोशिया लेंगे एक। और ये इस पे तो हम सिंपल क्रोशिया लेंगे और इसको हम यहाँ से आगे से लेके डबल क्रोशिया लेंगे। ये एक यहाँ सिंपल डबल क्रोशिया और ये यहाँ पे हमने इस बार इस पे लिया था और इस बार यहाँ पे लेंगे आगे को। अब यहाँ पे इस पे सिंपल सिंगल क्रोशिया लेंगे और यहाँ इस पे आगे को लेंगे। देखिए इस तरह से ये हमारा पैटर्न चलेगा। ये देखिए ये आगे को ये सिंगल क्रोशिया की लाइन थी हमारी, इस पे हमने लिया ये पैटर्न इस तरह से हमारा आएगा। इसी तरह से ये लाइन हम पूरी कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ये लाइन भी मैंने कंप्लीट कर ली है। इसको यहाँ अटैच कर लेंगे तीसरी चेन में। ये इसको अटैच कर लिया। अब यहाँ पे एक चेन लूंगी और ये सिंगल क्रोशिया की लाइन यहाँ फिर से चलेगी। फिर से यहाँ सिंगल क्रोशिया की लाइन चलेगी। देखिए इसी तरह से ये सिंगल क्रोशिया की लाइन पूरे में चलेगी और फिर यही पैटर्न सेम चलता रहेगा। देखिए फ्रेंड्स इसकी मैंने यहाँ से यहाँ तक 18 लाइनें कंप्लीट कर ली हैं और अब मैं इसको यहाँ बंद कर रही हूँ। ये हो गया है मेरा कंप्लीट। आप देखिए ये मैं इस तरह से लूंगी। ये इस तरह से मैं इसको
देखिए मैंने इसको खींच लिया है और ये मैं इसको इस तरह से देखिए। अब यहाँ पे इसके मैं ऊन का पॉम पॉम बना के लगा दूंगी। चलिए पॉम पॉम बना लेते हैं हम। इतना हम ये इधर छोड़ेंगे बांधने के लिए। ये मैं हाथ पे लपेट लूंगी। देखिए मैंने ये हाथ पे लपेट लिया है। अब मैं ये इसको ऐसे और इसको इस तरह से यहां से ले लूंगी। ये इसको मैं लपेट लूंगी। देखिए ये पॉम पॉम में यहाँ इसको ऐड कर दूंगी, जोड़ दूंगी यहाँ पर। देखिए फ्रेंड्स, ये केक मेरा कंप्लीट हो गया है। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।